लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने आज सानपाड़ा के प्रभाग 78 में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जागरूकता और सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया। वरिष्ठ नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में फ्री मास्क बांटकर इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन कराने के लिए नागरिकों को खास तौर पर प्रेरित किया गया। युवा नेता निशांत भगत ने यहां महानगर पालिका द्वारा चलाई जा रही उस आर्थिक योजना की भी जानकारी दी जो कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले बेसहारा परिवारों के लिए प्रारंभ की गई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से इसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए युवा नेता निशांत भगत ने आज सानपाड़ा प्रभाग 78 में जागरूकता और सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया। इस अवसर पर जहां बीजेपी नेता दशरथ भगत ने नागरिकों को जरूरी सावधानियां बरतने का आह्वान किया, वहीं युवा नेता निशांत भगत ने शीघ्र वैक्सीनेशन कराने और संक्रमण से बचाने, अपने घरों और सोसाइटियों में सैनिटाइजेशन कराने की अपील की। जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत पितृभावना और कीर्ति अपार्टमेंट में फ्री मास्क वितरण से की गई। निशांत भगत ने यहाँ कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन करने की अपील की। वहीं मनपा द्वारा चलाई जा रही आर्थिक योजना का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के बेसहारा परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। ऐसे परिवार जिनका कमाऊ व्यक्ति महामारी में छिन गया है, उन्हें इस आर्थिक योजना का लाभ मिल सकता है। निशांत भगत ने कहा कि ऐसे परिवारों को सहायता मिले, यही हमारा मकसद है। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब और संदीप नाइक जी साहब, इनके माध्यम से, इनके सहकार्य से पूरे शहर में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों तक मैसेज पहुँचाना ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक प्रोग्राम प्लान किया हुआ है जिसमें घर घर में मास्क पहुंचा के उनकी जानकारी लेना कि कौन कौन वैक्सीनेटेड है और कौन नहीं है, 18 प्लस के ऊपर फर्स्ट डोज किसने लिया है कि नहीं लिया है, 45 प्लस के ऊपर का कोई सेकेंड डोज का कोई बाकी है, ये जानकारी हासिल करने के लिए मास्क घर तक पहुंचा के उनसे जानकारी कलेक्ट करना और उनको सही टाइम पे उनको पहला डोज हो या दूसरा डोज देने की जिम्मेवारी एक लोक प्रतिनिधि के तौर के ऊपर मैं और मेरे सभी साथियों के तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में कोई घर में देहांत हुआ है तो उनके लिए भी कॉरपोरेशन के तरफ से कुछ योजना स्कीम जो डिक्लेयर की है उसका लाभ वो परिवार का हो, इसीलिए हम लोग ने उसका पैम्पलेट बना के उसकी पूरी जानकारी छपवा के उसका साथ फॉर्म जोड़ के उस घर में पहुँचा तक वो योजना का लाभ वो परिवार को मिले। हमारे तरफ से हर एक सुविधा, वैक्सीनेशन की सुविधा उनको प्राप्त हो, इसीलिए हम लोग ने आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया था। वो प्रोग्राम का लॉन्चिंग हमारे नेता दशरथ भगत साहब इनके माध्यम से हम लोग ने यहाँ पे किया। गौरतलब है कि सानपाड़ा प्रभाग 78 में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य लेकर कोरोना टीकाकरण चल रहा है। बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में युवा नेता निशांत भगत यहाँ सघन वैक्सीनेशन कैंप चला रहे हैं। वहीं संक्रमण रोकने सोसाइटियों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने कहा कि कोरोना को हराना है तो सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि नागरिकों ने ठान लिया तो प्रभाग 78 को कोरोना मुक्त होने में देर नहीं लगेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।